नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम कर रहे थे जनवरी से जून 2024 का अर्धवार्षिक करंट अफेयर। सीरीज का नाम था अर्जुन सीरीज, जिसका एपिसोड 1 हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एपिसोड नंबर 2। ये जो करंट अफेयर है, आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो SSC CGL का हो, अभी SSC MTS का भी नोटिफिकेशन आया है, तो उन सभी के लिए बहुत ही ये बेहतरीन रहने वाली है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको सीधे के सीधे दिखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। उगता हुआ सूर्य इस बात का प्रमाण है, उगता हुआ सूर्य इस बात का प्रमाण है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, रोशनी की एक किरण से मिट जाता है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, एक सूर्य की किरण बनिए और चमकिए और अपने लक्ष्य को भेदिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात कर रहे हैं। WHO ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? भूटान, नेपाल, केप वर्डे जो अफ्रीकन कंट्री है, इंडोनेशिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केप वर्डे। क्या हो जाएगा? केप वर्डे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। केप वर्डे मलेरिया से मुक्त होने वाला अफ्रीका का कौन सा देश है? तीसरा देश है और दुनिया का 43वां देश है। याद रखना है आपको, टोटल 43 ऐसे देश हैं जो मलेरिया मुक्त हो गए हैं और अफ्रीकन कंट्री का ये कौन सा है? थर्ड कंट्री है। ठीक है, याद रखना है आपको। WHO की बात करें, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में जो WHO के अध्यक्ष हैं उनका नाम है टेड्रोस एडनोम। याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, कई बार इसकी स्थापना पूछी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ जो IOC है, कि CEO किसको बनाया गया है? मधुसूदन सिंह को, राकेश वर्मा, पीयूष गोयल, रघुराम अय्यर। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहां पर होगा रघुराम अय्यर। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है PT उषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, अध्यक्ष CEO दोनों ही पूछा जा सकता है। स्थापना की बात करें तो जो है 1927 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। संस्थापक की बात करें तो हैरी बक और आर्थर नोरेन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1927 में, अध्यक्ष जरूर याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, पूछा जाएगा जरूर। जो तथ्य हैं मैं लिखूंगा, वो साथ साथ आप नोट करते जाना। अरविंद पनगड़िया, PR सुब्रमण्यम, हीरालाल सामरिया, राजीव कुमार। राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। आप सबको ज्ञात हो तो अरविंद पनगड़िया पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। चलिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो NK सिंह, नंद किशोर सिंह। देखिए ये जो 16वां आपका वित्त आयोग है, हम बात कर रहे हैं किसकी? 16वें वित्त आयोग की। देखिए 16वां वित्त आयोग 2027 से स्टार्ट होगा और अगले 5 वर्षों के लिए होगा। ठीक है, अगले 5 ईयर्स के लिए होगा, याद रखना है। 5 वर्ष जो वित्त आयोग के जो कार्यकाल होता है, चाहे वो सदस्य हैं चाहे वो अध्यक्ष हैं, याद रखना है आपको। 2027 से शुरू होगा ये, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम जो है वित्त आयोग अध्यक्ष, क्या पूछ सकते हैं? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बता देना है कौन थे? KC नियोगी। ठीक है, KC नियोगी ये प्रथम थे, और 15वें NK सिंह हो गए, और 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग की हम बात करें तो इसका जो संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल 280 के तहत जो है, राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? देखिए 5 व्यक्तियों को जो है, हम बात करें तो भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, 5 व्यक्तियों को दिया गया है, याद रखना है आपको। यहाँ पर आपसे पूछा है बिहार का, तो बिहार का हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। क्या हो जाएगा? कर्पूरी ठाकुर। तो इनके अलावा हम बात करें किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, तो चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है। ठीक है,
इनके अलावा हम बात करें तो नरसिम्हा राव जी को दिया गया है। इनके बाद हम बात करें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया है, ठीक है भाई, नोट कर लेना साथ साथ। और इनके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, ठीक है भाई। और एक हो गया बिहार से, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर। तो ये पांच व्यक्तियों को दिया गया है, याद रखना है आपको, कब, 2024 में। देखिए यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बात करें तो एक तो हो गया ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न की जो स्थापना है 1954 में हुई थी, याद रखना है आपको। 1954 में तीन, हम बात करें तीन व्यक्तियों को मिला हुआ है सन 1954 में, किस किस को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को। तो ये तीनों आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सशस्त्र सीमा बल SSB की हम बात कर रहे हैं, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं, तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक की हम बात करें तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। SSB के बारे में हम जानें तो इनका एक आदर्श वाक्य है, सेवा सुरक्षा और भाईचारा, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कई बार SSB की स्थापना या गठन पूछ लें तो 20 दिसंबर 1963 आपको इसका गठन बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और बात बता दूं, ये जो चाइना का हमारा 1962 का युद्ध हुआ था उसके बाद जो है इसका गठन हुआ है, इसके बाद इसका गठन हुआ है, याद रखना है, चाइना वॉर के बाद, चाइना वॉर के बाद इसका गठन किया गया था SSB का, याद रखना है। 1962 में चाइना का युद्ध हुआ था और इसका गठन 63 में हुआ है। चलिए ओपन ए आई की पहली, भारत में OpenAI की पहली जो महिला कर्मचारी किसको नियुक्त किया गया है, प्रज्ञा मिश्रा, अद्वैत नायर, पूजा गुप्ता, वंदिता कोल। राइट आंसर हो जाएगा प्रज्ञा मिश्रा। चलिए OpenAI की हम बात कर लेते हैं। देखिए OpenAI क्या है, एक मतलब AI जो हम बात करें, कृत्रिम बुद्धि है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक निजी प्रयोगशाला है ये उसकी, और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाता है, ठीक है। इसकी कंपनी की स्थापना 2015 में हुई, मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, CEO सैम ऑल्टमैन है। हम बात करें इसकी स्थापना तो एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की है, ठीक है। चलिए आगे चलें। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, इन से सबसे क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैनिक सिनर, इटली के खिलाड़ी हैं जैनिक सिनर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए 14 से 28 जनवरी 2024 मेलबर्न पार्क विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन होता है, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का 112वां संस्करण था। इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने जो है, यानिक सिनर ही आपको जैनिक सिनर मिलेगा, ने रूस के दानिल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, अरीना संबेलका, बेलारूस, ये फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा, बेलारूस की खिलाड़ी है अरीना संबेलका, याद रखना है आपको दोस्तों। बेलारूस की अरीना संबेलका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में चीन की जो खिलाड़ी है झेंग किनवेन को हराकर अपना ये दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया है। संबेलका 2012 और 2013 में विक्टोरियन अजारेंका के बाद लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है, और जो जिस खिलाड़ी, चाइना की खिलाड़ी को हराया है झेंग किनवेन को, इनका पहला ग्रैंड स्लैम का ये फाइनल खेला था, इन्होंने 21 साल की है मात्र ये। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2024 में अतिथि देश के तौर पर भारत के PM नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। देखिए हम G7 का पार्ट नहीं है, याद रखना है आपको, हम पार्ट नहीं है, लेकिन हमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। तो इटली के अंदर जो है इसका आयोजन था, इटली ने हमें आमंत्रित किया। फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये है इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी। आयोजन इटली में 13 से 15 जून तक, संस्करण 50वां था ये, और G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो 50वें संस्करण की, जॉर्जिया मेलोनी इटली की PM है। इटली की कैपिटल आपको पता होगा रोम है, इटली की कैपिटल, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है।
G7 के सदस्य कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। टोटल 7 कंट्री है, आपको ध्यान रखना है। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि जी जो पहले G8 होता था, रसिया को किस वर्ष जो है निकाला गया था इस ग्रुप से। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2024 कब मनाया गया है? 11 जून, 12 जून, 9 जून, 8 जून। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 जून। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नया अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया। 11 जून 2024 को विश्व में पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया। इसका जो उद्देश्य है, बच्चों को खेलने के अधिकार की रक्षा और समर्थन की आवश्यकता पर ध्यान जो है अट्रैक्शन देना है, आकर्षित करना है। यहीं पर मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस की हम बात करें दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है? तो याद रखना है ये भी। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड नंबर 2 के। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट आए कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे ही आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहेगा तो इसमें 10 से क्वेश्चन बढ़ा के हम 20 कर देंगे। तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।